था राजस्थान में एलडीसी भर्ती का जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप ये अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, RSMSS भी। और यहाँ आप देख सकते हैं फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018। तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे वीडियो में हम इस भर्ती को लेकर पूरी चर्चा करने वाले हैं कि इसमें कितने पद हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरी जानकारी वीडियो में आगे आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो सबसे पहले आप डेट आप देख सकते हैं, 16 अप्रैल 2018, आज ही को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और लगभग सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके थे, जिसमें RPSC में शिक्षक भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, रिट का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और उसी तरह से इसी भर्ती का सभी विद्यार्थियों को इंतज़ार था, LDC भर्ती का, क्योंकि ये बड़ी भर्ती हम इसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कुल जो पद हैं इसमें 11,255 पदों पर ये भर्ती है। तो काफ़ी बड़ी भर्ती हम इसको बोल सकते हैं, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, 11,255 पद हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें शासन सचिवालय में और राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में 10,000 और अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 1,100 पदों के लगभग हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 11,255 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी। SSO ID से आपको लॉगिन करना है, या आप अपने नज़दीकी ई मित्र से आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 450 रुपये और बाकी के विद्यार्थियों को इसी प्रकार से 350 रुपये, 250 रुपये। तो इसका आप भी भुगतान कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से, SSO ID बनाकर। और पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, शासन सचिवालय में जो कुल पद हैं वो 329 हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 9 पद हैं, और इसी तरह से कनिष्ठ सहायक अधीनस्थ कार्यालयों में 9,769 पद हैं। तो तीनों पदों का वर्गीकरण दे रखा है। इसी तरह से इसमें आगे आप देख सकते हैं वेतनमान जो रहेगा पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, अगर आप 12वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है या इसके समतुल्य अगर आपके पास कोई योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है, जो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा इस प्रसिद्ध है वो RSCIT डिप्लोमा है, और ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास ये डिप्लोमा मिलता है। अगर आपके पास RSCIT नहीं है तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स का तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और इसी तरह से अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अगर BTech किया है, BCA किया है, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्यूटर डिग्री है, तो वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। और बाकी के विद्यार्थियों के लिए डिप्लोमा होना कंपलसरी है, मस्ट है। इसी के साथ आगे आयु की कैलकुलेशन वही रहेगी, 1 जनवरी 2019 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आप सभी को पता है 40 वर्ष। और इसी तरह से आगे, और आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, दिनांक आप देख सकते हैं 10 मई से 8 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी। परीक्षा का माह एवं दिनांक, भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभवतया माह सितंबर 2018 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। तो डेट आप देख सकते हैं सितंबर महीने में आपका ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अगस्त तक सभी जो एग्ज़ाम के लिए जो डेट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने इस समय में काफ़ी वैकेंसीज निकाली है, तो अगस्त तक का टाइम उसके पास नहीं है, और सेंटर पहले वाली वैकेंसीज के लिए बुक है। तो ये आप देख सकते हैं सितंबर से पहले
इसका एग्ज़ाम होने का कोई चांस नहीं है, सितंबर तक का आपके पास समय है। और इसी के साथ बाकी की जानकारी आप देख लीजिए, सिग्नेचर की साइज़ क्या रखनी है, फ़ोटो किस का आपको मिलेगा, जिसमें 7 दिवस के भीतर अंतिम जो दिनांक दी जाएगी उसके 7 दिन, उसके बाद 7 दिन तक आप अगर फॉर्म में अगर आपने किसी प्रकार की गलती कर दी तो उसका करेक्शन आप कर सकते हैं। 300 रुपये आपको ऑनलाइन शुल्क इसका देना होगा। इसी के साथ परीक्षा की स्कीम आप देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आपने देखी होगी जिसमें अधीनस्थ बोर्ड ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा कि वो एलडीसी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करना चाहता है, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके पीछे का रीज़न यही था, सरकार यही चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा का एग्ज़ाम होके इसका परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि अगर पैटर्न में बदलाव होगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो पैटर्न वही है जो आरपीएससी वाला है। और आगे आप देख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात दो दो एग्ज़ाम होंगे आपके, जैसा कि आरपीएससी एलडीसी में होता है, जिसमें पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 100 अंकों का ये पेपर होगा। और इसी के साथ दूसरा जो पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का पेपर होगा, 3 घंटे का समय है और इसके भी 100 अंक रहेंगे। तो वही आरपीएससी वाला पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं किया गया। और इसी के साथ जो सेकेंड जो स्टेज रहेगी, जो विद्यार्थी रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये आप देख सकते हैं, गति परीक्षण, दक्षता परीक्षण, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होगी और आपका जो भी एमएस ऑफिस है उस पर आपका टेस्ट होगा, एक्सेल वर्ड पर आपको काम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट होगा ये भी 100 नंबर का होगा, ये आप देख सकते हैं, 25-25 के सभी हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षण कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। और इसी तरह से जो आपके पेपर होंगे, दो पेपर होंगे, वो भी 100-100 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से मेरिट का जो निर्धारण रहेगा वो 300 नंबर में से होगा। और ये आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, दोनों प्रश्न पत्रों में आपको 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही सेकंड फेज में प्रवेश दिया जाएगा। 40-40% नंबर आपको लाना जरूरी है। और इसी के साथ बाकी जानकारी आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी की वैसे सभी जानकारी हमारे द्वारा डिस्कस कर ली गई है, फिर भी आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो दोबारा से आप देख सकते हैं। और सब कुछ वही है जो आरपीएससी एलडीसी का पैटर्न है, वही पैटर्न इसमें रखा गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा, काफ़ी विद्यार्थियों के पहले भी मुझे कमेंट्स मिलते थे, सभी विद्यार्थियों को इस भर्ती का इंतज़ार था, फाइनली नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है और लगभग अब सभी भर्तियों के विज्ञापन राजस्थान में जारी कर दिए गए हैं और आप अपनी तैयारी हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जिस भर्ती में आपके ज़्यादा चांसेस लगते हैं आप उसी भर्ती में आगे बढ़े, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कौन सी वैकेंसी की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अपना टारगेट बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कर दें, क्योंकि लगभग अब सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। हाँ, वैसे अभी कुछ भर्तियों के विज्ञापन आना बाकी है, लेकिन अब हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90% वैकेंसीज के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। और आगे की अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।